अच्छा तो व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम, एटम किसे कहते हैं या एटम से क्या मुराद है? तो एटम का जो लफ्ज़ है ये फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इस्तेमाल किया? फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटस नामी साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया बाय यूज्ड बाय डेमोक्रेटस इन 460 बिफोर क्रिसमस बीसी। 460 बीसी में डेमोक्रेटस नामी साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया और फिर ये लफ्ज़ जो है इसको साइंसदानों ने छोड़ दिया, लेकिन बाद में रीयूज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 19th century। डाल्टन ने 19वीं सदी में इस्तेमाल किया। तो एटम इसकी मानी क्या है, इसको ये नाम क्यों दिया गया है? तो एटम का जो लफ्ज़ है तो ये एक ग्रीक वर्ड एटामस से डिराइव हुआ है। तो डिराइव्ड एटम का जो लफ्ज़ है किससे डिराइव हुआ है? तो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटामस। और एटामस के मानी क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड एटामस से अखज़ हुआ है। एटामस के मानी क्या है? ए मीन्स नाट और टोमस के मानी क्या है? टोमस मीन्स डिवीज़न। टोमस के मानी क्या है? डिवीज़न। तो इनका मजमूई मानी क्या है? इनडिविजिबल नाकाबिले तकसीम। यानी ऐसा पार्टिकल, ऐसा चीज़ जिसको तकसीम न किया जा सके, जो तकसीम के काबिल न हो। तो पुराने ज़माने में साइंसदानों का ख्याल था कि अगर मादा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाए तो आखिरकार हमें एक इंतहाई छोटा पार्टिकल हासिल हो जाएगा जो मज़ीद तकसीम के काबिल नहीं होगा। तो मादे का वो छोटा ज़रा जिसको वो तकसीम नहीं कर सकते थे उस ज़माने में, उस छोटे ज़रे को यूनानी लफ्ज़ एटामस की मुनासिबत से एटम का नाम दिया गया। तो इन अर्लियर टाइम्स इट वॉज़ बिलीव्ड बाई साइंटिस्ट्स दैट इफ़ वी डिवाइड मैटर इंटू स्मॉलर पार्ट्स देन एट लास्ट वी विल गेट सच अ माइन्यूट पार्टिकल विच विल नॉट बी फर्दर डिविजिबल। मादा को छोटे छोटे पार्टिकल में हिस्सों में तकसीम किया जाए तो आखिरकार हमें एक इंतहाई छोटा ज़रा हासिल हो जाएगा जो मज़ीद तकसीम के काबिल नहीं होगा। नो दैट्स स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ पार्टिकल, तो मादे का वो छोटा ज़रा विच वॉज नॉट फर्दर डिविजिबल एट दैट टाइम, जो उस ज़माने में, आजकल नहीं, उस ज़माने में तकसीम के काबिल नहीं था, उसको क्या कहा गया? उसको एटम का नाम दिया गया। तो इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर वाज कॉल्ड एटम। मादे के नाकाबिले तकसीम जरे को एटम का नाम दिया गया। लेकिन बाद में जब साइंस ने तरक्की की, तो एटम में मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए जिनको क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो जब एटम में मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो इसका मतलब यह है कि ये काबिले तकसीम भी है। तो अब एटम की ये तारीफ़ हम नहीं करते हैं, ये तारीफ़ अपनी जगह पर ठीक भी है और ग़लत भी है। किस तरह ठीक है, किस तरह गलत है बताता हूँ। लेकिन आजकल एटम की तारीफ़ हम यूँ करते हैं, मादे का वो छोटा ज़रा जो बाज़ सूरतों में आज़ाद हालत में पाया जाता है और बाज़ सूरतों में आज़ाद हालत में एग्जिस्ट नहीं करता है,
बास सूरतों में कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा लेता है और बास सूरतों में कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, उसको एटम कहा जाता है। नो द स्मॉलेस्ट, न्यू डिफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट कैन और कैन नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मादे का ये छोटा ज़रा, वो छोटा ज़रा जो कि बास सूरत में आज़ाद हालत में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोबल गैसेज के जो एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियान, अर्गान वगैरह वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्वाइट रिएक्टिव है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर रिएक्शन करता है। तो सोडियम है, वो रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अक्सर एलिमेंट्स वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नोबल गैसेस के एटम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बास सूरतों में कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, बास सूरतों में कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो हीलियम, नियान, अर्गान ये तीन एलिमेंट जो है ये रिएक्शन नहीं करते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, जितने भी हैं वो रिएक्शन करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मादे का वो छोटा ज़रा जो बास सूरत में आज़ाद हालत में पाया जाता है, बास सूरत में आज़ाद हालत में नहीं पाया जाता है। बास सूरत में कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा लेता है, बास सूरत में कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, उसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो डिफिनीशन है, ये कैन और कैन नॉट की जो अल्फाज मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये किस वजह से, ये नोबल गैसेस की वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं कि यानी विच कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ये कैन और कैन नॉट के जो अल्फाज हैं ये किसकी वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं, नोबल गैसेस के लिए। अगर नोबल गैसेस ना होते तो एटम की तारीफ हम यूँ करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। लेकिन ये कैन और कैन नॉट के जो अल्फाज है ये नोबल गैसेस की वजह से हमने ऐड किया है, चूंकि नोबल गैसेस के एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। नोबल गैसेस के जो एटम्स है हीलियम, नियान, अर्गान वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो दे कैन और कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। तो ये कैन और कैन नॉट के जो अल्फाज है ये नोबल गैसेस की वजह से इस्तेमाल किए गए हैं। तो एटम जो है, अच्छा यहाँ पर ये डिफिनेशन, इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, मादे के नाकाबिले तकसीम ज़रे को एटम कहा जाता है। ये अपनी जगह पर ठीक भी है और ये क्या है, गलत भी है। ठीक किस तरह है और गलत किस तरह है? ठीक इस तरह है कि एटम जो है ये मज़ीद ज़्यादा तकसीम नहीं किया जा सकता है। अगर एटम को मज़ीद तकसीम किया जाए तो इसकी ब्रेक डाउन किया जाए तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस करती हैं। इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, इसकी फ्यूजन किया जाए, प्रोटॉन को निकाला जाए, ब्रेकडाउन किया जाए, तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस करती है, यानी ये मज़ीद सादा तकसीम नहीं किया जा सकता है। और ग़लत किस तरह है? तो एटम जो है ये डिविजिबल है, तकसीम किया जा सकता है, लेकिन जब तकसीम किया जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस करती हैं। तो ये तारीफ अपनी जगह पर ठीक भी है और गलत भी है। एटम तकसीम भी किया जा सकता है और एटम नाकाबिल तकसीम भी है। तकसीम इस तरह किया जा सकता है कि हमारे पास हेवी एटम्स होते हैं, बड़े बड़े एटम्स होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इसकी ब्रेकडाउन होते हैं, एक बड़ा एटम होता है उनसे दो एटम्स बन जाते हैं। नाकाबिल तकसीम किस तरह है? जब इसको तकसीम किया जाए तो वो अपना आइडेंटिटी लॉस करता है, उनसे दूसरे किस्म के एटम्स बन जाते हैं, वो जो इनिशियल एटम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये तारीफ अपनी जगह पर ठीक भी है और गलत भी है। तो एटम जो है इसके दो हिस्से होते हैं, एटम हैज़ टू पार्ट्स, एटम हैज़ टू पार्ट्स। एटम के कितने हिस्से होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। तो नंबर एक है न्यूक्लियस। नंबर एक क्या है? न्यूक्लियस।
और नंबर सेकंड क्या होते हैं? नंबर सेकंड जो है वो है शेल्स। नंबर सेकंड क्या है? शेल्स हैं। तो ये देख ले ज़रा, न्यूक्लियस हो गया और ये क्या है? ये है शेल्स। ये इसकी क्या है? शेल्स है। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर फर्ज कर लें, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? इसमें 5 प्रोटॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और न्यूट्रॉन पर कोई पाबंदी नहीं है, ये प्रोटॉन के बराबर भी हो सकते हैं, प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस कंटेंस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, तो ये दो बेसिक पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा इनमें और भी पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रॉन वगैरह वो भी होते हैं, लेकिन ये जो हम 3 मेजर पार्टिकल्स हैं उनमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? शेल्स में होते हैं। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होती है। तो एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होंगी, इम्पॉसिबल है कि इनकी तादाद डिफरेंट हो जाए। इसी वजह से एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है। एटम क्या है? एटम जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद जो है वो बराबर होती है। अगर इनकी तादाद डिफरेंट हो जाए, इनकी तादाद डिफरेंट हो, तो फिर एटम पर चार्ज आ जाती है, लेकिन फिर उसको हम एटम नहीं कहते हैं बल्कि आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो एटम विल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। जबकि न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो प्रोटॉन के बराबर भी हो सकती है और प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। सिर्फ एक केस जो है प्रोटियम, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर होंगे या प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। तो एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल है। इसमें क्या होती है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होंगी, या डिफरेंट नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। अगर डिफरेंट हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया या इलेक्ट्रॉन एटम ने गेन किया, तो तादाद डिफरेंट हो गई, देन इट विल कॉल्ड आयन नॉट एटम। तो फिर उसको हम एटम नहीं कहते बल्कि उसको फिर हम आयन कहते हैं। तो एटम क्या है? ये न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इसके बाद हमने डिस्कस करना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर।